जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप? आप सबका हमारे चैनल पंडित ज्ञान में स्वागत है। अगर आपको भी लगी है किसी की बुरी नजर, तो पहचाने लक्षण तो तुरंत करें ये उपाय, मिनटों में मिलेगा छुटकारा। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। आज हम बात करने वाले हैं नजर दोष की। आज मैं बताऊंगी, बहुत सारे लोग कहते हैं पता कैसे चलेगा कि नजर लगी है हमें। नजर लगना बहुत बड़ा दोष माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि अगर नजर लग गई तो उसके बाद बचना नामुमकिन है। जब भी कोई व्यक्ति किसी की भी उन्नति या उसका भाग्य को देखकर जलन करता है, ईर्ष्या की वशीभूत हो जाता है, तो कुछ भी मन मन में गलत उसके बारे में सोचता है, तो मनुष्य को नजर हो सकती है। कई बार देखा गया है कि नजर के कारण अच्छा भला इंसान का काम धंधा सब रुक जाता है, अनेक प्रकार की परेशानियां आने लगती हैं। बड़े या बच्चे कोई भी हो, सबको नजर लग सकती है। कोई बीमार पड़ जाता है या फिर बिना बात की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति के राशि और नक्षत्र अगर निर्बल होते हैं तो वो सबसे पहले नजर दोष के प्रभाव में आ जाता है। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति की राशि एवं नक्षत्र स्वामी क्रूर ग्रह वाली हो और पापी ग्रहों का प्रभाव हो, तो मनुष्य की वाणी, दृष्टि, मनोभाव में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। अक्सर सुनने में आता ही होगा आपको कि किसी न किसी पे टोना टोटका कर दिया है, किसी का काम ठीक नहीं हो रहा है, दुर्भाग्य बार बार आगे आ रहा है। इस प्रकार हम महसूस करते हैं कि पूरी मेहनत के बाद भी हमें कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, हमारे व्यवसाय को बांध दिया गया है। बंधन के फलस्वरूप या तो व्यवसाय नहीं होता है या फिर व्यवसाय होते हुए भी आप अंत में खाली हाथ आते हैं। यहाँ तक कि इस प्रकार का माहौल बन जाता है कि उस व्यवसाय को छोड़ना ही पड़ता है। कभी कभी किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर असर होने लगता है, सभी दवाइयाँ निष्प्रभावी हो जाती हैं। ऐसा अक्सर किसी भूत प्रेत या चुड़ैल, ऐसा माना जाता है कि बाधा साथ लग जाने से होता है। ये बाधा किसी के द्वारा कराई गई भी हो सकती है या फिर अनजाने में राह में या हमारे किसी कर्म के कारण लग जाती है। मनुष्य को कभी कभी पुनर्जन्म के भी फल भुगतने पड़ते हैं, ऋण अनुबंध या श्राप आदि भी लग जाते हैं, पूर्व जन्म के इस जन्म में इस प्रकार के कष्ट देते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो आप अगर उपाय करेंगे तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। सबसे पहले हम लक्षण जानते हैं कि नजर दोष के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, तो आप ध्यान से सुन लें और फिर समझे कि अगर नजर है तो आगे उसका उपाय क्या है, वो मैं आपको बताऊंगी, उसे फिर कर लेना है आपको। नजर दोष होने से पति पत्नी में अनबन हो जाती है बहुत जबरदस्त, और दुकान घर में लग जाती है नजर तो सारे काम बिगड़ जाते हैं। जो लोग शमशानी इलाकों के आसपास रहते हैं, जो महिलाएं अधिकतर पर्दे में रहती हैं, जो लोग किसी न किसी कारण मशहूर हो जाते हैं, उन लोगों के लिए शैतानी आंख अनदेखे हथियार की तरह मारने का काम करते हैं। इससे महिलाओं में सिर दर्द की बीमारी हो जाती है, उल्टी आदि होती है, अनाप शनाप बकने लगती हैं। कई लोगों को कामुकता अधिक हो जाती है और जननांगों में खुजली की आदत हो जाती है, बाथरूम में अधिक समय लगने लगता है, बाल खुले रखने की आदत बन जाती है, किसी न किसी अंग का रेगुलर फड़कना लगा रहता है। अपने ही रक्षक को अपने से दूर करने के लिए और कठोर बात करने लगता है, लड़ने झगड़ने की आदत बन जाती है, भोजन में अधिक खटाई का प्रयोग करने लग जाते हैं, छाछ आदि पीने की इच्छा ज्यादा हो जाती है, घर की महिलाओं से अकारण ही बैर भाव पाल लेते हैं, अपने संतान का ख्याल नहीं रखते, दूसरों की बातों में समय को बर्बाद करना, नाखून आदि चबाते रहना, ये सब बुरे टोटके आदि के लक्षण हैं। नजर दोष ये लक्षण है। और इसी प्रकार से दुकानदारी के चलते अगर अचानक चलते चलते दुकानदारी बंद हो जाए, ग्राहक का आना कम हो जाए, ग्राहक आ भी जाए तो थोड़ी देर में उसका मन बदल जाए और बिना कुछ खरीदे वो वापस चला जाए। खुद के दुकान से सस्ता सामान नहीं खरीदना, अगल बगल दुकान से महंगा सामान खरीद कर जाना, किसी भी अच्छे काम की शुरुआत करते ही किसी न किसी प्रकार की बाधा का आ जाना, कुछ नहीं तो टेलीफोन का ही बजता रहना और जब उसे उठाओ तो वो बंद हो जाता है, सोने वाले बिस्तर पर लाल या काले रंग की चींटियों का घूमना, ओढ़ने बिछाने वाले कपड़ों में बदबू का आना, त्वचा में बिना किसी कारण दाग धब्बे हो जाना, खुजलाहट हो जाना आदि बातें नजर दोष के लक्षण हैं। नजर लगे हुए व्यक्ति के ऊपर
उपाय करना बहुत ही जरूरी होता है और कभी कभी प्राचीन काल में कुछ रीति रिवाज और परंपराएं हमारे हिंदू संस्कृति में बनाई गई हैं। उन परंपराओं में से एक है नजर लगना, और नजर लगने पर मनुष्य के अंदर की नेगेटिव एनर्जी भर जाती है और पॉजिटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। व्यक्ति बीमार महसूस करता है हर समय, और नजर लगने पर व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अचानक उल्टी हो जाना, पशुओं की मौत हो जाना घर पर, छोटे बच्चे का बार बार रोना, ये मैं छोटे छोटे उपाय आपको बता दे रही हूँ। इनमें से कुछ भी अगर आपके साथ हो रहा है तो आपको एक उपाय बताती हूँ, वो करके आप नजर दोष को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। नजर लगे हुए व्यक्ति के सिर के ऊपर से दूध 3 बार उतार करके कुत्ते को पिला देना है। ऐसा करने से माना जाता है कि नजर उतर जाती है, और नजर लगे हुए व्यक्ति को प्रतिदिन हनुमान जी की आराधना जरूर करनी चाहिए। घर के बुजुर्ग व्यक्ति का जूता लेकर के पीड़ित व्यक्ति के सिर से 7 बार उतारें, और जूते के तेल पर थूक लगा करके जोर से जमीन पर पटक कर जूता घुमाते समय ओम रांग राहवे नमः का जप करते रहें। जिन व्यक्तियों को अक्सर नजर लगती रहती है उन्हें कभी भी सफेद मिठाई खा करके घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। यदि ऐसी स्थिति में जाना पड़ भी जाए किसी कारणवश अचानक से, तो तुलसी के 5 पत्ते जल के साथ सेवन कर लें, और सेवन करते वक्त मन ही मन श्री विष्णु या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते रहें। अगर आपकी गार्डन आपने बहुत खूबसूरती से सजाई है, सुंदर बागवानी भी नजर दोष से नहीं बच पाती है, ऐसी स्थिति में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। सुंदर पौधों की जड़ के समीप काले रंग की कौड़ी रखनी चाहिए। 11 पौधों के समीप एक एक कौड़ी जरूर रखनी चाहिए। महीने में 2-3 बार घर में कपूर जरूर जलाएं, ये प्रयोग बहुत ही प्रभावशाली होता है। जिनको संतान नहीं होती है, वो पुत्र के इच्छुक है, नजर दोष से परेशान है, तो वो पुखराज धारण करें, आपके नजर दोष दूर होकर के आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। बच्चों को यदि बार बार नजर लग जाती है तो बच्चों को मोती चांद का लॉकेट एवं नजरबंद जो काले और सफेद मोती होते हैं उसका ब्रेसलेट या करधनी धारण करा दें। नींबू को सिर से उतार करके 4 टुकड़ों में काट करके चौराहे में चारों दिशा में फेंक दें। यदि कोई नजर लगी होगी या टोटका किया गया होगा तो ये दोष दूर हो जाएगा। कुछ लोग मानसिक रूप से इतना परेशान हो जाते हैं कि पागलपन की अवस्था तक आ जाते हैं। उनके हाथ की उंगली में मोती की अंगूठी पहना देने से लाभ होता है। थोड़ा सा सेंधा नमक ले लें, उसको सिर के ऊपर से वार करके 1 गिलास पानी में डाल दें। ये माना जाता है कि जैसे ही नमक पानी में घुलेगा उसी तरह बुरी नजर का असर भी पानी में घुल जाएगा और नजर दोष दूर हो जाएगी। बिना बात के अगर धन संबंधी नुकसान हो रहे हैं तो घर की छत या बालकनी में उत्तर पूर्व की दिशा में 5 तुलसी के पौधे लगा लें। कई बार नजर लगने पर व्यक्ति बार बार उल्टी करता है, इससे छुटकारा पाने के लिए नजर लगे हुए व्यक्ति को पान में गुलाब की 7 पंखुड़ियां रखकर अपने इष्ट देव का नाम लेकर के खिला दें। ऐसा करने से बुरी नजर का बुरा प्रभाव तुरंत समाप्त हो जाता है। ये बहुत ही कॉमन सा बता रही हूँ मैं आपको। डंठल वाली 7 लाल मिर्च लेकर के नजर लगे व्यक्ति के ऊपर से 9, 11, 21 बार वार करके आग में डाल देने से नजर उतर जाती है। ये तो हम सबकी मम्मियों ने बचपन से ही किया है। नजर लगने पर सबसे ज्यादा छोटे बच्चे परेशान होते हैं, इससे छुटकारा पाने के लिए लाल मिर्च, अजवाइन, पीली सरसों एक मिट्टी के छोटे बर्तन में आग लगा लें, उसमें जलाएं। इसका धुआं देने से व्यक्ति की नजर उतर जाती है। खाने की चीजों पर कई लोगों की बहुत बुरी नजर लगती है, और ऐसे व्यक्ति को जब नजर हो जाती है तो उसकी फेवरेट से फेवरेट चीजें वो खाने से चिढ़ जाता है, कभी उसको हाथ भी नहीं लगाता। इससे छुटकारा पाने के लिए उस व्यक्ति के ऊपर से तेल लगी हुई रोटी 7 बार वार कर काले कुत्ते को खिलाने से नजर दोष दूर हो जाता है। अगर गर्भवती महिला को नजर लगती है तो उसके लिए गोबर के छोटे से दिए में गुड़ का एक टुकड़ा रख लें और रुई डाल करके जलाएं, और उसे दरवाजे के बीच रखने से बुरी नजर का दोष बिल्कुल दूर हो जाएगा। संडे का दिन है और हम हमेशा नजर की और टोने टोटके की बात करते हैं, और आज मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आप, अगर लगता है आपको कि नजर लगी है तो आप इन तरीकों से जान सकते हैं कि सही में आपको नजर लगी है या कोई और प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें।
अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।